बोलोगे? अ हीटर हैज टू रेजिस्टर्स, ठीक है, इफ वन इज यूज्ड इट बॉइल्स वाटर एट या इन 5 मिनट्स, इफ अदर इज यूज इट बॉइल्स वाटर इन 8 मिनट्स, इफ बोथ आर यूज टूगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉइल वाटर इफ दे आर इन पहला पैरेलल, दूसरा सीरीज, ठीक है। हमारे पास एक हीटर है, उसके पास दो रेजिस्टर, ठीक है, R1 R2, ठीक है। एक देखो दो रेजिस्टर है ना ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक रेजिस्टर को बंद रखा, कोई काम का नहीं है, वो इसपे ये इस पे करंट पास करवाते हैं, ठीक है, और ऐसे सोर्स से। और देखो यहाँ पे हीटर, हीटर कहाँ यूज होता है, हमारे घर पे यूज होता है, हमारे घर पे हीटर यूज हो, पंखा यूज हो, बिजली एसी यूज हो, कुछ भी यूज हो, वोल्टेज कितना होता है, 240 वोल्ट होता है, वोल्टेज फिक्स रहता है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज भी है, हमने इसको लिया, गर्म करवाया, इसके ऊपर पानी रखा, ठीक है, पानी गर्म हो जाता है। फिर हमने क्या किया, दूसरा लिया, ठीक है, और ऐसे हमने इसको लिया, ठीक है, पानी पानी रखा, पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पानी गर्म होता है 5 मिनट में, यहाँ पानी गर्म होता है 8 मिनट, ठीक है, अलग अलग रेजिस्टर से। अब क्या किया गया, दोनों रेजिस्टर को लिया गया, यहाँ पे ये जो हमारा सोर्स है ये फिक्स है, फिक्स वोल्टेज का, यहाँ पर पानी लिया, पानी गर्म हुआ 8 मिनट, ठीक है। बोला गया दोनों रेजिस्टर को साथ साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सीरीज में, ठीक है, और एक बार करते पैरेलल में। अगर पैरेलल में करेंगे तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, ठीक है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, ये सवाल है। 2 मिनट के सवाल पे सोचो, खुद से सोचो, एक बार मेरे को सोच के बताओ, इस पूरे सवाल में दो चीजें जो है समय के साथ कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, क्या तुम केस ए पकड़ो ओनली R1, केस टू पकड़ो ओनली R2, या केस थ्री पकड़ो R1+R2, या केस फोर पकड़ो 1/R1+1/R2, मतलब कोई भी केस पकड़ो, दो चीज जो है ना हर केस पे सेम रहेगी। एक तो मैंने तुमको बता दिया वोल्टेज, और क्या चीज सेम होगी, अगर किसी को पता है तो अनम्यूट करके बोल दो, क्या चीज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा राज, क्योंकि अगर हमने R1 को लिया R2 को लिया तो नहीं, करंट कैसे सेम रह सकता है, करंट तो बदल जाएगा, क्योंकि पैरेलल में R1 R2 तो फिर बदल जाएंगे ना, सीरीज में R1 R2 बढ़ जाएगा, वोल्टेज वही रहेगा, ओम्स तो लगा करके देखो करंट चेंज कर जाएगा। और किसी के पास कोई आंसर बोलो, टाइम टाइम कैसे सेम होगा, एक के लिए 5 मिनट है, दूसरे के लिए 8 मिनट है, टाइम तो क्वेश्चन में दिखा रहा है कि सेम नहीं है। पावर, चलो वर्जिन तुम काफी सही जा रहे हो, पावर पावर से क्या बनता है, हमको यहाँ पे किसको गर्म करना है, ठीक है, बॉयल किसको करना है, हमको वाटर को बॉयल करना है, एनर्जी एनर्जी सही बोले, वेरी गुड, हमको किसको बॉयल करना है, हमको वाटर को बॉयल करना है। अरे वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर को बॉयल करने के लिए वाटर का मास तो बदल नहीं रहे, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सी रहेगी, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा उसके लिए, 100 - 0 100 हो जाएगा। तो जो हम टोटल हीट सप्लाई करेंगे किसी भी मेथड से, वो तो हीट समय के साथ नहीं बदलेगी ना, ठीक है, वो हीट जो समय के साथ नहीं बदलेगी, याद रखना, ठीक है। तो हीट रिमेंस कांस्टेंट एंड वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट, तो अब यहाँ पे हमको याद रखना, हमको कांस्टेंट वाली चीज अगर पता चल चुकी भी है ना तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया। पहले एच क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, वोल्टेज कितना है, वी स्क्वायर,
मैं यहाँ पे आई को यूज नहीं करूंगा बिकॉज आई जो समय के साथ कॉन्स्टेंट नहीं रहना, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन व्हाट इज आर वन ईयर, आर वन इंटू टी, टाइम कितना है 5 मिनट, और हीट सेकेंड केस में कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टू, टाइम कितना है यहाँ पे 8 मिनट। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हीट, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। पहला सवाल पैरेलल वाला है तो इनटू टी, टाइम कितना लगेगा, तो हमने क्या बोल दिया एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब देखो तो वन बाय आर ई क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करें अगर हम लोग तो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू हो जाएगा इंटू टी, क्योंकि वन बाय आर आर पी तो होता ही ना वो तो। अब एच हमको टाइम निकालना है तो एच क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ वी स्क्वायर को वी स्क्वायर नहीं देता हूँ, वन बाय आर वन क्या हो जाएगा, वन बाय आर वन हो जाएगा एच बाय वी स्क्वायर फाइव प्लस वन बाय आर टू क्या हो जाएगा एच बाय वन बाय आर टू क्या हो जाएगा एच बाय एट वी स्क्वायर इंटू टाइम कितना हो जाएगा टी। अब देखो तो ये वी स्क्वायर कट गया, ये एच एच मर गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा टी, हमको निकालने को लगे वन कितना हो जाएगा वन बाय फाइव प्लस वन बाय एट, वन बाय ये हो जाएगा हमारा फाइव एट या फोर्टी, एट फाइव जाता है थर्टीन बाय फोर्टी ना, फाइव एट जा एट फाइव जा, ठीक है। ये टी हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा फोर्टी बाय थर्टीन, दैट मीन्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा हमारा थर्टीन बन जाए थर्टीन, थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन, ठीक है पॉइंट समथिंग इतना टाइम लगेगा, थ्री पॉइंट समथिंग सेकंड्स, ठीक है सर मिनट होगा ना, हाँ मिनट, टाइम घटा कि बढ़ा, घट गया, घट गया। अभी जरा एक चीज सोच के बताओ, मैं तुमको अभी तुमसे ये सवाल पूछूंगा, ठीक है सेकेंड पार्ट के बाद याद रखना, पैरेलल में टाइम आ रहा 3 मिनट नोट कर लो, ठीक है टाइम घट गया। अब एक काम करो सीरीज में जरा खुद से निकालो, तो सीरीज का खुद से निकालो, आई करंट को इन्वॉल्व मत करना, वोल्टेज को इन्वॉल्व करना बिकॉज वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा, सेकेंड का आंसर बताओ। किसी का भी आया सीधे, खाली आरपी के बदले आरएस लिखो यहां पे, आरएस मतलब आर वन प्लस आर टू,
12 मिनट आ रहा है, 13 आ रहा है। चलो मैं चलो देख लेता हूँ लास्ट का, तुम्हारा भी देख लेता हूँ। तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सर 13 आएगा, 13 एच हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर वन प्लस आर टू इंटू टी। एच हो जाएगा वी स्क्वायर, क्या हो गया हमारा, हाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर की वी स्क्वायर है तो इंटू टी बाय आर वन के बदले क्या आएगा, फाइव वी स्क्वायर बाय एच प्लस ये आर टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, एट वी स्क्वायर बाय एच। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इतना, ये वी स्क्वायर तो कट जाएगा, ये एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर जाके एच कट जाएगा इधर से, तो टी क्या हो जाएगा 13 मिनट्स। बाकी लोग का भी आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है ना। अच्छा अभी जरा सा तुम लोग का कितना दिमाग चलता है मैं जरा देखो, अभी कौन लोग लॉजिकली आंसर दे सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सबको पता है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा बननी चाहिए, तो पानी क्या होना चाहिए, जल्दी पानी जल्दी गर्म होना चाहिए ना। सीरीज में पानी गर्म हो रहा 13 मिनट में, पैरेलल में जहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है हीट कम बननी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे पानी गर्म होता है 3 मिनट में, ऐसा क्यों? उनको पानी जल्दी गर्म करना है, हम हमेशा हर काम जल्दी करना चाहते हैं, हमको पानी जल्दी गर्म करना है, तो हम रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहे थे पैरेलल में, क्योंकि वह 3 मिनट में हमारा काम हो रहा था, अभी हमने सीरीज में जोड़ दिया 13 मिनट लग रहा है, ऐसा क्यों? कि सीरीज में हमारा जो आंसर आ रहा है टाइम का, जिसका जो भी आंसर है जरा मेरे को बताओ, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सही हो क्या, वोल्टेज सेम रह रहा है, वेरी गुड। ठीक है, यहां पे वोल्टेज कैसा कांस्टेंट है, ये वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये है ना यहाँ पे कम हो रहा है टाइम। ठीक है, तुम एक बार इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि ठीक है बात सबकी सही है, ठीक है वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कहते हैं टाइम कम लगेगा। एक तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, ठीक है वोल्टेज तो कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करेंट क्या होगी, करेंट जो होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना, करंट कम हो जाएगी बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो जाएगी, वी इक्वल टू आई इनटू आर होता है। अब अगर करंट कम हो जाएगी ना तो हीट अगर हम देखें ना आई स्क्वायर आर टी से, अगर तो अगर करंट यहाँ पे कम हो जाएगी ना तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ लेकिन करंट का पावर 2R, देखो वो ज्यादा इफेक्ट कर ना, करंट का स्क्वायर आ रहा है, करंट अगर थोड़ी सी भी कम होती है ना तो वो हीट को ज्यादा इफेक्ट डालेगी, रेजिस्टेंस बढ़ा लेकिन करंट क्या होगी कम होगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने का उतना हमको इफेक्ट नहीं दिखता जितना वो करंट के घटने का इफेक्ट दिखता, बिकॉज स्क्वायर पे डिपेंड कर। ठीक है, तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है बाकी तुम कैसा भी देख के समझो लॉजिकली वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था जो कि हमारे एंट्रेंस में आने लायक सवाल है। ठीक है, मैं तुम लोग को ऐसे सवाल भेजूंगा अभी, उसके बाद देखो और कुछ क्वेश्चंस मैं जो कि करवाऊंगा नहीं तुमको अभी, ठीक है, लेकिन तुम्हें खाली आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ऐसे हमारे सामने रेजिस्टर वाला सर्किट होगा, तुम्हारे सामने एग्जाम में तुमको सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आए, इसकी चांस कैसी होती, कम होती है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सर्किट देने के बाद वो तुमसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि बताओ इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में कितना करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तुमको बोल देगा 8 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, ठीक है, ऐसे करके तुमको दे देगा, बोल देगा कि बताओ ये हमारा है 6 ओम, तो बताओ 6 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें से यहाँ से करंट निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 रेजिस्टर होंगे, ठीक है 2 रेजिस्टर अगर होंगे, ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये डिवाइड कर जाएगा करंट के रेशियो में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ऐसे करके चलते चले जाएंगे, हम यहाँ पे 6 ओम में जाकर के करंट को निकाल लेंगे। करंट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, आई स्क्वायर आर टी से आई स्क्वायर आर से पावर निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। पहले ये दोनों देखा पैरेलल में, उसके साथ ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये ऐसा हो जाएगा, फिर उसके साथ ये पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, फिर ये सीरीज पैरेलल सीरीज का आता ही होगा, ठीक है। सीरीज पैरेलल सीरीज पर करते करते हमको जिसमें भी बोला जाएगा हीट निकालने के लिए, वहां पे जाकर के उस रेजिस्टेंस में जाकर करंट को निकालने के बाद आई स्क्वायर आर से वहां पे पावर को निकाल सकते हैं, और टाइम दिया जाएगा तो हम एनर्जी को या हीट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अभी एक टेक्निक था बता दिया तुम लोग को मैंने। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग बल्ब वाले क्वेश्चन की, ठीक है। बल्ब वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे आईटी में, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा सा उसको। मान लो कि पहले हमारे को बोला गया कि हमारे पास बल्ब है, ये जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लास 10th का है, लेकिन अभी इसी कंसेप्ट से मैं तुमको आईआईटी के क्वेश्चन दूंगा। तो पहले मैं 10th वाला कंसेप्ट एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे सामने बोला गया कि हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और हमारे पास बोला गया है कि ये 220 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास 100 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब है, हमने इसको 220 वोल्ट पे लगाया, हमारा बल्ब एकदम बढ़िया चल रहा है, 100 जूल एनर्जी खर्च करता हुआ एक सेकंड में अच्छी सी चमक हमको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने ये बल्ब क्या किया, हमने इस बल्ब की स्मगलिंग किया और इसको ले जाते हैं अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो ये बल्ब काम ही नहीं करेगा, वहाँ पे 110 वोल्ट है, ठीक है। और ये हकीकत है कि अमेरिका में 110 वोल्ट बल्ब वहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 110 वोल्ट अगर का बल्ब अगर वहाँ पे यूज करते हैं तो ये बल्ब क्या हमको वहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर काम करेगा तो क्या हमको उतनी रोशनी दे पाएगा। तो देखो, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास इतना वोल्टेज है तो ये बल्ब कितना एनर्जी खर्च करेगा या कितना पावर देगा, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। यहाँ वी कितना, 110 है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ बल्ब का कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो एक V कितना हो गया, 220 × 220 / 110, ठीक है। हमने यहाँ पे ये बल्ब को लिया, ठीक है, और ये हमने वहां पे जाके देखा पावर इक्वल टू बीस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 × 22 ये हो जाएगा 100 वाट है ना, हाँ 100 वाट का, सो पावर इक्वल टू बीस का अपन पी, हाँ ये हो जाएगा 400, ये कैंसिल हो जाएगा, 22 × 22 बचेगा, ये हमारा आ जाएगा 484, ये हमारा कितना हो गया 484 का इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पावर को जो वीस कर में आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया 484 को से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पावर 110 × 110 / 484 हमने किया, ठीक है। अगर हम इससे आंसर निकालते हैं तो हमारा पावर कितना आएगा, देखो वहां पे ये क्लास खत्म 19, अभी कितना का टाइम बाकी है, अभी है टाइम, ठीक है, अभी 20 मिनट है, 20 मिनट में काफी कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी देखो ये हमारा हो गया 25 वाट हो गया, कहाँ हमारा 100 वाट हो रहा था 220 वोल्ट पे, कहाँ हमारा 25 वाट हो रहा है, मतलब सीधे के सीधे हमारा जो होगा 1/4, मतलब ये बल्ब 100 जूल एनर्जी फेंक रहा था एक सेकंड में, 100 जूल लाइट निकल रही थी, यहाँ करीब 25 जूल लाइट निकलेगी एक सेकंड में। तो ये जो हमारा जो सेकंड वाला वर्किंग जो है ना, ये बहुत ही खराब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर वोल्टेज को यूज नहीं किया, ठीक है। याद रखना है कि अब पता देखना कि अब जितने भी डिवाइस आते हैं ना, ठीक है, वो सब पता है क्या होते हैं, वो लिखा रहता है उनमें कि ये 110 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक की में काम करता है। हम अगर वो, क्योंकि आजकल क्या होगा, चीजें जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है ना, वो सबके सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, मतलब आज जो चीज अमेरिका बनाएगा वो इंडिया में भी यूज होती है, इंडिया वाली चीज अमेरिका भी यूज होती है, ठीक है।
वो लोग ऐसा बनाते हैं कि उनके कंट्री में भी यूज हो रहा है 110 में, हमारे 220 में भी यूज हो रहा है। हमारा जो क्या कहते हैं जो चार्जर होता है वो चार्जर 220 वोल्ट का होता है, लेकिन वो सप्लाई लेता है 5 वोल्ट का देता है। ट्रेन में हम बैठते हैं तो वहाँ पे 110 वोल्ट होती है, 110 वोल्ट से वो 5 वोल्ट कर देता है, ठीक है। तो अब चीजें ऐसी बनी ना कि सब पे काम करे, लेकिन जो चीजें पहले बन चुकी हैं जो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करने के लिए बनी हुई है, अगर हम उसको किसी और वोल्टेज पे काम पे लेते हैं तो हमको उतनी अच्छी एनर्जी नहीं दे पा, ठीक है। तो ये बात हमने क्लास 10th में पढ़ के रखी थी, ठीक है। हमने एक बार रिविजन के लिए फिर से इसको सीख लिया। अब तुम्हारे सामने सवाल ये है कि हमारे पास 3 बल्ब है, सोचो खुद से, ठीक है। और ये हमारा 100 वाट का है, ये हमारा है 50 वाट का है, और ये हमारा है 20 वाट का, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा ग्लो करेगा कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा ग्लो करेगा 100 वाट, 50 वाट, 20 वाट? तो आंसर देखिए सर, 50 वाला सर। हाँ, 50 वाला सबसे ब्राइट कैसे ग्लो करेगा? 100 है, 50 है, 20 है, तो सबसे ब्राइट 50 पे तुकी नहीं होता है, 50 20 पे बीच पे आ रहा है कैसे? अरे तुम सिद्धांत अब हाँ बताओ, बाकी लोग बताओ व्हिच विल ग्लो ब्राइटेस्ट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ये सवाल आईटी में पूछा जा चुका हुआ है। 100, ठीक है। और कौन बोलता 100? बाकी लोग जो अटेंड करे क्लास बोलो। सबको बोलो आंसर 100 किया, ठीक है। और कौन बोल रहा 100? फिलहाल 50 कहां से आएगा, 50 20 पे आ रहा है यार। और कौन बोल रहा है 100 या 100 या 20 पे बोलो ना आंसर। राज तुम क्या बोल रहे हो? सर रेजिस्टेंस किसका हाई है? सर मेरे हिसाब से 20 फिर 50 फिर 100। तीनों सेम वोल्टेज के लिए बना हुआ, ठीक है। तीनों सेम वोल्टेज के लिए बना गया है, 220 220 220 मान लो। क्या बोले तुम राज? 20 50 फिर 100। चलो देखते हैं एक बार, अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा ग्लो करेगा, तीनों के तीनों जो है ना एक ही पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करने के लिए बने हुए, ठीक है। तीनों अपना प्रॉपर वर्किंग करते हैं 220 वोल्ट, ठीक है मान लो। अब हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब देखो यहाँ पे जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया ना तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले का फर्स्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना है 100 है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना 20 है। अब यहां से तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये सबके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया आर वन आर टू आर थ्री। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, तो ये रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, आर वन स्मॉलेस्ट, आर टू थोड़ा बड़ा होगा, और आर थ्री जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसका रेजिस्टेंस आर थ्री हैज इज मैक्सिमम, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है, आर थ्री का। अब देखो जब इसको हमने कनेक्ट किया सीरीज में, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि सीरीज में तीनों बल्ब में करंट कैसी होगी। तो आंसर करंट तो सेम होती है, तो करंट सेम होती है तो हमने यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे, हीट प्रोड्यूस के लिए आई स्क्वायर आर टी लिखेंगे, टी तो हटा दो, ठीक है। अब आई ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, बिकॉज सब में करंट सेम है, तो सबके लिए आई सेम है ना, तो कंपैरिजन के लिए यही फेयर होगा ना। हम वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, क्योंकि सबके पास वोल्टेज अलग अलग होगी। अब पहले वोल्टेज निकालो, इसका इसका निकालो, इसका निकालो, तो लफड़े वाला काम होगा। सब में करंट सेम है तो हमने आई स्क्वायर आर लिखा। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके लिए, 20 वोल्ट वाले के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसमें हीट प्रोड्यूस कैसी होगी, हीट इस पे कैसी होगी, हीट मैक्सिमम होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना सबको? हाँ सर। क्लियर? तो ये वाला पता एक्चुअली एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से पूछा जा सकता है। तुम्हारे इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए,
देखो हम लोग पढ़ते रहे हीट आई स्क्वायर आर टू, खाली वही देख फॉर्मुला सीखे थे, लेकिन जब आई टी में आते ना ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बताओ मैं तुम्हारे एस सी वर्मा में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि अच्छा क्या ये बात सही है स्ट्रिक्टली अगर पूछा जाए। ठीक है, हम अभी तक की क्या कर रहे थे, हम रेजिस्टेंस को सेम मान लेते थे। ठीक है भाई, ग्लो करने जब हम वी स्क्वायर पावर वी स्क्वायर अपन आर से हम निकाल लेते, लेकिन एक बार समझ के चलना कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, हम जब ग्लो करवाते हैं ना तो रेजिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं ना कि वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वो भी सही नहीं होता। और सर कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी होता है। ठीक है, चलो उसका भी एक सवाल आएगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ऐसा आएगा कि मान लो तुम्हारे पास, अब तुमको फिर से सोचना है, दो बल्ब है हमारे पास, ठीक है, हमको बोला गया कि 220 वोल्ट पे काम करते हैं, 220 वोल्ट पे काम करता है, हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, ठीक है, ये 220 वोल्ट वाला, 220 वोल्ट वाला, ठीक है, अब हमको क्या बोला गया यहाँ पे कि ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, ये 50 वाट का बल्ब है, बोला गया कि अगर 220 वाट, देखो अगर वोल्टेज कम होता है ना तो क्या होता है, बल्ब डिम ग्लो करता है, और अगर वोल्टेज अगर हाई हो जाएगा तो तुम निकाल के देख लो। ठीक है, वोल्टेज अगर हमने एक ही 220 वोल्ट वाले बल्ब को अगर हमने 400 वोल्ट पे काम करवाया ना, तो उसको पावर जो एमिट करेगा वो ज्यादा करेगा, तुम कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ज्यादा मतलब एनर्जी खर्च करेगा, मतलब उसका फिलामेंट गर्म हो जाएगा, फिलामेंट गर्म हो जाएगा। आप भी समझाना एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई बल्ब अगर 220 वोल्ट पे काम करता है और एनर्जी देता है 100 वाट, तो मैंने तुमको अभी डिस्कस किया कि अगर वो 110 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिम ग्लो करता है, 25 वाट खाली देता है एनर्जी, और अगर उसी को हमने काम करवाया 440 वोल्ट तो क्या होगा, वो एनर्जी ज्यादा देगा, वो निकाल के तुम देख सकते हो, है ना, पावर को टू वीस करो, अपन आर से आर निकाल लो यहाँ से करके देखो, तो वो एनर्जी काफी ज्यादा देगा, मतलब वो फ्यूज कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोला हाँ, ज्यादा ज्यादा हम उसको वोल्टेज, ज्यादा हम उसको वोल्टेज पे लेंगे तो वो फ्यूज कर जाएगा। अब सवाल तुम्हारे सामने ऐसा है, एक बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट का, एक बल्ब 50 वाट 220 वोल्ट का, ठीक है, अब हमसे हमने क्या किया, हमने ये दोनों बल्ब को लगा दिया, हमने बोला कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास दो बल्ब है, हम उसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको सीरीज में लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, हमने 440 वोल्ट का एक मत से एक लिया, हमने सीरीज में लगा लिया कि भाई यहाँ पे वोल्टेज होगी वो बढ़ जाएगी। तो मेरे को बताओ अगर हमने ऐसा कनेक्शन किया तो यहां पे एक बात तो पक्की है कि दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस अलग है, यहां पे रेजिस्टेंस अलग है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम नहीं होगी, 440 है, अगर आर वन होता, यहां भी आर वन होता, 220 डिवाइड कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे को जरा तुम एक बात सोच के बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, वन वाला कि टू वाला? फर्स्ट 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 करेगा, बाकी लोग भी सोचो एक बार, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, फर्स्ट की सेकंड? खेला रेजिस्टेंस का ही है, कोई आइडिया? क्वेश्चन ये है कि दो बल्ब है, एक 220 वोल्ट का है और 100 वाट का, एक 220 वोल्ट का है 50 वाट का, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में 440 वोल्ट पे, कौन सा वाला बल्ब फ्यूज करेगा? याद रखना, बल्ब वो वाला फ्यूज करेगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा जाएगा।
पहला वाला चलो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक 220 का स्क्वायर बाय 100, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, पावर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन p, यहाँ कितना हो जाएगा 220 का बाय 50, ये छोटा छोटा पावर है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर r, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस लेस होगा, r लेस, देखो ना ये बड़ा नंबर है, रेजिस्टेंस छोटा, यहाँ रेजिस्टेंस बड़ा। अब देखो अगर दो रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, जिसका अक्रॉस ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होगा, v इक्वल्स टू i इनटू r होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगी तो v1 प्लस, इसके क्रॉस वोल्टेज v1 है, इसके क्रॉस v2 है, तो v1 प्लस v2 तो फिक्स है 240 है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि v2 किससे बड़ा है, v1 से बड़ा है, अगर v2 v1 से बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि v2 अगर v1 से बड़ा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 220 से बड़ा ही होगा ना, v2 v1 से बड़ा, v1 प्लस v2 440 है ना, अब v2 बड़ा है 220 से, तो v1 छोटा होगा 220 से, तभी ना कुछ ऐड करके 440 बन पाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसा है, ज्यादा है, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है 220 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला बल्ब कर जाएगा फ्यूज, और ये वाले बल्ब का क्या होगा, ये फ्यूज तो नहीं करेगा लेकिन ये डिम ग्लो करेगा, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना, नहीं समझ पड़ी। अरे इसका पावर, इसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, पावर बाय पावर बाय v स्क्वायर अपॉन p हो जाएगा रेजिस्टेंस, v स्क्वायर तो ये हो गया, p हो गया 100, इसका क्या होगा 220 का स्क्वायर अपॉन 50 हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, ये r1 ये r2, कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट वाला बड़ा है, फर्स्ट वाला कैसे बड़ा, r1 बाय उस पे बाय 100 आ रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है वो, लेकिन मतलब 50 से डिवाइड हो रहा है, किसके नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, हाँ सर समझ गया, ठीक है इसके क्रॉस छोटा है तो ये रेजिस्टेंस कैसा, सर पहले तो चार्ज तो वहां पे जाएगा ना, फर्स्ट बल्ब पे जाएगा ना चार्ज, तो फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं होता यार, फर्स्ट सेकंड थोड़ी होता कुछ ऐसा, इसमें पहले जाके इसके बाद जाके बैटरी के पास है, ऐसा नहीं है, करंट तो जो हिसाब से फ्लो करेगा उस हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए, तो तुम बोलो ना कि नजदीक के, ऐसा नहीं होता, करंट की बैटरी से जाता है, क्या होता देखो, जैसे मान लो बल्ब है ना कोई, बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, ठीक है, जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन साथ साथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट या सेकंड होता है, ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जैसे बैटरी कनेक्ट हुआ इसके इलेक्ट्रॉन भी हिलना स्टार्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन भी चलना स्टार्ट कर दिए, दोनों के साथ साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके ये नजदीक है तो ये पहले ये बाद में होता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखना होगा, सबको बात क्लियर होगी, हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ या ना, ऐसे समझ बढ़ गए, हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अब ये ऐसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एंट्रेंस में आएंगे, मैं तुम लोगों को इसकी शीट भी भेजूंगा, जहाँ तुमको ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, अभी के लिए मैं क्लास एंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग कल देखता हूँ मैं, कल तुम लोग की 5:30 से 6 में शायद कोई क्लास नहीं है, या 6 बजे के आसपास, जब मैंने केमिस्ट्री का मैंने टाइम टेबल ले लिया, फिजिक्स मैथ्स का भी ले लिया, तो हुआ तो बीच में मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो अभी क्लास एंड करो, बाय।